दोस्तों आपने वृंदावन का नाम तो सुना होगा और वृंदावन आप गए भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिव और आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो पूरा देखना, आज आपको हम एक और वृंदावन के दर्शन कराएंगे। जो वृंदावन हमारे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक वृंदावन और है जो हमारे मध्य प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लघु वृंदावन की, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी जैक्शन से मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बांदा इमराज के नाम से है, इसको बांदा धाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर बाके बिहारी जी की बहुत ही शानदार प्रतिमा है, राधा रानी भी साथ में बैठी हुई हैं और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर जन्माष्टमी हो या फिर कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हो या फिर राधा अष्टमी हो, और भी जो त्यौहार आते हैं बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो मंदिर है कटनी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी में है। आप ऑटो से, बस से या फिर अपने साधन से बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम ले चलते हैं बांदा इमराज, जहाँ पर बांदा नाम से प्रसिद्ध लघु वृंदावन है। आइए आपको हम दर्शन कराते हैं, देखिए ये वीडियो। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो कि अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जगह कटनी से बस 18 किलोमीटर दूर बांदा इमलाज नाम के गांव में है, जिसे लघु वृंदावन नाम से भी जानते हैं। ये हमारे प्यारे बांके बिहारी जी का मंदिर है। दोस्तों आपने लघु वृंदावन के दर्शन किए, जो कि कटनी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी में है। दोस्तों आप अपने साधन से बड़ी आसानी से जा सकते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही जाना माना मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ के जो बाके बिहारी जी की प्रतिमा है उनका एक अलग ही तेज है। यहाँ के बाके बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप जो भी अपनी मनोकामना लेके जाते हैं उनके सामने खड़े होते हैं और सच्चे हृदय से आप उनको अपनी परेशानी बताते हैं तो बाकायदा सुनते भी हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये, और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार जरूर अपने जीवन में एक बार जरूर, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, कटनी में रहते हैं, तो एक बार जरूर यहाँ घूम के आइए। ये लघु वृंदावन है जो कि बांदा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। जय श्री राम।